सो दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो, मोस्ट अवेटेड तो ऐसे कह रही हूँ जैसे बस पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है इस वीडियो को बनाने के लिए। खैर जो भी दो तीन लोगों ने मुझे मैसेज किया है तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना लूँ, क्योंकि घर में पड़े पड़े और कुछ करने के लिए नहीं है। और वैसे भी अम्मी हर वक्त कहती रहती हैं कि तुम फ़ोन पे क्या करती रहती हो, तो मेरे पास कुछ सबूत होगा उनको दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ ईशा एंड आई एम स्टडिंग इंजीनियरिंग इन टर्की। आसान काम नहीं है, तो अगर आप लोग पाकिस्तानी सिस्टम से बेजार हो चुके हैं और घर से दूर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लाइक फुल ऑन आज़ादी माहौल में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी इन टर्की। एक सेकेंड भूल गया, हाँ, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, हाउ टू अप्लाई, यार मैं देख के पढ़ लेती हूँ, मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। तो हाउ टू फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, स्कॉलरशिप्स, हाउ टू अप्लाई एंड वेन टू अप्लाई। तो सबसे पहले तो ये सोचें कि व्हाट डू यू वांट टू स्टडी इन टर्की, आप पढ़ना क्या चाहते हैं। ये नहीं है कि बस मुंह उठाया और चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कुछ एम होता है, कुछ एम्बिशन होता है, कुछ बंदे को बनना होता है और सोच रहे होते हो कि वो पढ़ना। और अगर अब तक डिसाइड नहीं किया है ना तो परेशान ना ना हो, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो पढ़ते कुछ हैं और जॉब कुछ और करते हैं। हाँ, तो अब अगर सोच लिया है कि क्या पढ़ना है तो गूगल का इस्तेमाल करना सीखें, लैपटॉप खोलें, इंटरनेट पे जाके लिखें कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन टर्की, इन जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा था कि टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन टर्की, ठीक है। आप अच्छा, अब आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, तो आप इन में से 10 या 11 सेलेक्ट कर लें। वैसे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोच, मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बिल्किंट, ITU, हजतपे, बोगजीची, बहुत अजीब अजीब से नाम है लेकिन बड़ी आला किस्म की यूनिवर्सिटीज़ है। तो यहाँ के अब जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है ना टर्की की, वो पाकिस्तान की और इंडिया की आई थिंक बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बहुत सस्ती हैं, और उनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तकरीबन पर सेमेस्टर 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ उनकी फ़ीस है, जो कि आई थिंक बहुत अफोर्डेबल है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जाहिर है वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, बड़ी आला किस्म की आपको स्कॉलरशिप देती हैं, तो वो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको तुर्किश में पढ़ाएंगी, ठीक है। तो उनके लिए ये होता है कि वो आपको एडमिशन दे देती हैं, स्कॉलरशिप भी दे देती हैं, और आपका जो पहला एक साल होता है आपको तुर्किश लैंग्वेज का कोर्स कराती हैं। जब आप तुर्किश लैंग्वेज सीख जाते हो तो फिर वो आपको पढ़ाती हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी इंग्लिश में पढ़ाती हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आपको एक साल का कोर्स नहीं करना पड़ता, लेकिन तुर्किश ज़ुबान सीखना बहुत लाजमी है अगर आप तुर्की में जा रहे हैं, वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, क्योंकि बस आप जिस इलाके में होते हैं वहाँ की ज़ुबान आपको सीखनी आनी चाहिए। और आप ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, तो इस वजह से तुर्किश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा ये कि बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, जैसे मेरी जो मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो आपको इंग्लिश में पढ़ाती है, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको तुर्किश लैंग्वेज में पढ़ाएंगी, तो आप अपनी फिजिबिलिटी देखें, आप देखें कि आप तुर्किश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं या आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तुर्किश लैंग्वेज सीखना इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उर्दू से मिलते हैं, जैसे कुर्सी को कहते हैं कुर्सी और कबूल को कहते हैं कबूल, और जो सिंगल होता है वहाँ पे जिसकी शादी नहीं होती उसे कहते हैं बेकार, तो गुजारा हो जाता है। तो अब यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को देखें और उसमें से 3-4 प्राइवेट और 5-6 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को मार्क कर लें, उनकी ट्यूशन फीस देखें, उनकी वेबसाइट पर जाएं, उनका प्रोसीजर देखें, उसके बाद उसमें से महंगी यूनिवर्सिटी जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको निकाल दें और अपनी हैसियत के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लें। उसके बाद उसमें 3 अंडे, 2 कप चीनी और नमक डाल के अच्छी तरह हिलाएं,
तो मुझे मुझे बताते हुए लग रहा है कि मैं ना एक रेसिपी बता रही हूँ। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर चीज़ मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, फ़ीस क्या होगी, अकोमोडेशन क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। लेकिन हाँ, अगर वेबसाइट पे जाना ही था तो मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, तो चलो मैं तुम लोगों का काम आसान कर देती हूँ, खुद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता। तो सबसे पहले तो आपके ए लेवल्स या FSC में 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 3 से ज़्यादा GPA होनी चाहिए। जो इसके बाद, जैसे पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट होता है ना, वहाँ वैसा कोई सीन नहीं होता है। 2 टेस्ट होते हैं, उन दोनों में से आप कोई एक टेस्ट देंगे तो आपको हर जगह एडमिशन मिल जाएगा। एक होता है SAT टेस्ट और एक होता है योस टेस्ट। SAT जो होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, इंग्लिश और मैथ्स होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इंग्लिश पार्ट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे जैसे लोगों के लिए, लेकिन हो जाता है, आसान होता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। जाहिर है, अगर आप कुछ कोई चीज़ आती है तो वो आसान होती है, और जो नहीं आती वो मुश्किल होती है। और जो योस का टेस्ट होता है, उसमें मैथमेटिक्स और IQ टेस्ट होता है। मैथ्स में वही जो आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स में आपने जो पढ़ा होता है, और 10th क्लास में जो आपने पढ़ा होता है, मैथ्स का वो पार्ट आता है। और जो IQ पार्ट होता है, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, वो सबके पास होती है। तो बस ये चीज़ें चाहिए होती हैं आपको एडमिशन के लिए। उसके अलावा कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स, रेफरेंस लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो तो आपको, वो हर यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ी अलग चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को के हिसाब से उसको दें। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। वैसे तो हर यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप देती है। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो भी आपको स्कॉलरशिप देती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके 90% मार्क्स हैं तो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 80% है थोड़ी सी कम मिलेगी। इस तरह ही जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से स्कॉलरशिप देती हैं आपको। तो गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत महंगी हैं, लेकिन वो भी आपको बहुत अच्छी खासी स्कॉलरशिप दे देती हैं। एक और होती है, टर्किश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, तुर्की बुसलारी स्कॉलरशिप। उसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, तो वो ज़रूर देखना। उसमें तो इतना चिल सीन होता है कि आपका रहना, आपका खाना पीना, और इवन आपका जो जहाज़ की टिकट है ना, तो वो भी फ्री आती है। तो वो तो फुल अयाशी हो रही होती है जिन बच्चों को वो मिली होती है। एनीवेज, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट पर उसकी स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स होंगी, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। थोड़ा ज़ाहिर है, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा काम खुद भी करना पड़ेगा। मैं तो नवाला तोड़ के आपके मुंह में नहीं डाल सकती ना। अब बात करते हैं वेन टू अप्लाई। टर्किश यूनिवर्सिटीज़ अपना मार्च से लेके जुलाई के बीच में एडमिशन खोलती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पूरे 3-4 महीने के लिए एडमिशन खोल के रखती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए एडमिशन खोलती हैं। तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं, तो आप उनकी एडमिशन डेडलाइन भी याद से देख लें कि वो कब अपना एडमिशन खोल रही है, ताकि आपके लिए आसानी हो। और अप्लाई करने का तरीका क्या है? अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। यूनिवर्सिटीज़ का अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ऑनलाइन फिल करते हैं, कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते अप्लाई करने के लिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ, तुम्हारा फॉर्म फिल कर देता हूँ, तो वहाँ से भागने का है, क्योंकि वो आपको स्कैम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप खुद भी बहुत आसानी से एडमिशन प्रोसेस, इवन के वीज़ा भी आप खुद लगवा सकते हैं, एजेंट तक कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके अंदर मोस्टली आपको सारी अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं। थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, वो आपसे आपके सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, आप उसमें ऑनलाइन अपलोड कर देते हो, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो आप ऑनलाइन अपलोड कर देते हो, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका रिजल्ट, हर चीज़, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं होती। और जो योस का एग्ज़ाम होता है, मैं बताना भूल गई पहले, वो एग्ज़ाम आप इस्लामाबाद और लाहौर में दे सकते हो। उसके सेंटर्स बनते हैं, जैसे SAT के एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, बिल्कुल वैसा ही। और अगर इसके अलावा किस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।